शांति, आज 2 जून 2021 बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। यह देह मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बनो। प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? उत्तर है, कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते हैं। कहते हैं, बाबा तूफान बहुत हैरान करते हैं, इनको रोक लो। बाबा कहते, बच्चे यह तो बॉक्सिंग है, उस बॉक्सिंग में भी ऐसा नहीं एक ही ओर से वार होता रहे। अगर एक 10 थप्पड़ मारता तो दूसरा 5 जरूर मारेगा, इसलिए तुम्हें डरना नहीं है। महावीर बन विजयी बनना है, तब ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जरूर गीत में कोई रहस्य भरा हुआ है, जो रिकॉर्ड खरीद कर बाप बैठ इनका अर्थ समझाते हैं। इसको कहा जाता है जीते जी मरकर बाप का बनना, बाप का बनने के बाद टीचर का बनना, टीचर के बाद फिर मेजॉरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग को भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज करते हैं, गुरु की गोद में जाकर देते हैं, फिर पादरी हो या कोई भी हो। पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ, कहेंगे उनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। अभी तुम बच्चे पहले बाप के बनते हो और शरीरी बनते हो। हमारा तन मन धन जो कुछ है वह बाबा को अर्पण करते हैं, जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनके बनते हैं। यह बुद्धि में रहना है, जो भी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर, मेरा धन, दौलत, संबंधी आदि जो कुछ है सबको भूलते हैं। मरने बाद सब भूल जाता है ना, कितनी बड़ी मंजिल है। हम अशरीरी आत्मा है, यह पक्का करना है। ऐसे नहीं तुम शरीर छोड़ और मर पड़ते हो, नहीं। आत्मा कंप्लीट पवित्र थोड़े ही बनी है, भल बाप के बने हो, परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा अपवित्र है। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी। तमोप्रधान होने कारण एक भी मनुष्य वापस जा नहीं सकते, माया ने एकदम पंख तोड़ दिए हैं। बाबा ने समझाया है, आत्मा सबसे तीखी जाती है, उनसे तीखी चीज कोई होती नहीं, आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता। पिछाड़ी में मच्छरों सदृश सब आत्माएं भागती हैं, कहां जाती हैं? बहुत दूर दूर, सूर्य चांद से भी पार, वहां से फिर लौटना नहीं है। उन्होंने रॉकेट आदि तो जाकर फिर लौट आते हैं, सूर्य तक तो पहुंच नहीं सकते। तुमको तो उनसे बहुत दूर जाना है, सूक्ष्म वतन से ऊपर मूल वतन में जाना है। आत्मा को पंख मिल जाते हैं, हिसाब किताब चुक दू कर आत्मा पवित्र बन जाती है। कयामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है, सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुक दू कर जाना है। अभी तुम सब आत्माएं मैली पाप आत्मा है, भल बड़े गुरु साधु सन्यासी आदि हैं, समझते हैं हम गुरु हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मो ब्रह्म, हम ब्रह्म में पहुंचे हुए हैं, अब बैठे हुए हैं यहाँ। ब्रह्म में फिर कहाँ पहुंचे हुए हैं? अभी तुम जानते हो
हम आत्माएं ब्रह्म में रहने वाली हैं, परंतु अभी वहां कोई भी जा नहीं सकते। सब आत्माएं यहां पुनर्जन्म लेती हैं। यह बेहद का ड्रामा है। सब एक्टर्स को पार्ट बजाने वहां से आना जरूर है। सबकी आत्माएं स्टेज पर आई हैं। जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं। वहां रहकर क्या करेंगे? एक्टर बिगर पार्ट बजाए घर में थोड़े ही बैठ जाएगा। नाटक में जरूर आना पड़ेगा। वहां से जब सब चले आते हैं तब फिर बाप सबको ले जाते हैं। बाप कहते हैं, मैं भल यहां हूं तो भी आत्माएं आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं नंबरवार। फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार। सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है, इसलिए तुम्हें मरजीवा बनना है। हम आत्मा है यह निश्चय करना मेहनत है। बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर भूल जाते हैं। देही अभिमानी तब रहेंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। बाबा यह सब आपका है, मैं भी आपका हूँ। यह देह जैसे कि हमारी नहीं है, इनको मैं छोड़ देता हूँ। बाबा मैं आपका हूँ। बाबा कहते हैं, मेरा बन और सबसे ममत्व मिटा दो। बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठ जाना है। तुमको अपना धंधा धोरी करना है, घर संभालना है, बच्चों को कर्जा उतारना है, मात पिता का उनकी सेवा कर उजूरा देना है, माँ बाप की पालना का कर्ज चढ़ता है बच्चों पर। अब बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं। शुरू में जो भी आए थे सबने झट सरेंडर कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, सरेंडर किया। उस धन से तुम बच्चे भारत को पावन बना रहे हो। भारत ही बिल्कुल पवित्र था। भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी कोई हो नहीं सकता। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है, जहाँ पतित पावन बाप आकर सारे सृष्टि को पतितों को भी पवित्र बनाते हैं। अभी यह तत्व आदि सब दुश्मन है। अर्थक्वेक होगी, तूफान लगेंगे, क्योंकि तमो प्रधान है। नेचुरल कैलमिटीज आएंगी, बहुत दुख देंगी। इस समय सब दुख की चीजें हैं। सतयुग में है सब सुख की चीजें। वहां यह तूफान व गर्म वायु आदि कुछ नहीं होता। तुम्हारे में भी यह बातें बहुत थोड़े ही समझते हैं। आज है कल नहीं है तो कहेंगे कुछ नहीं समझा। भले यहाँ आते हैं परंतु सब कायम थोड़े ही रहते हैं। यहाँ से गए 10 दिन के बाद समाचार लिखेंगे, बाबा फलाने को माया खा गई। ऐसे होता रहता है। छोटे फूल बड़े हों तो उनमें फल आ जाए, उनमें फिर दूसरों को आप समान बनाने की ताकत रहती है, उनका फल निकलता है। बाबा के बने फिर प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाना है। पंडे बन बाबा के पास आए, बस हम पहुंच गए नहीं, मंजिल है बड़ी। कहते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं, तुम बाप के बने हो तूफान तो आएंगे। कहते हैं बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था, फिर पुनर्जन्म लेते 84 जन्म पास किया, फिर आकर आपका बने हैं। मैं तो आपसे वर्षा लेकर छोड़ूंगा। तो ऐसे बाप को इतना याद करना पड़े और आप समान बनाए
फल देना पड़े, नहीं तुम माला कैसे बनेगी, बाप का वारिस कैसे बनाएंगे। प्रजा भी चाहिए, वारिस भी चाहिए, जो गद्दी पर बैठे। बाप के पास तुम बहुत आते हैं, फिर फारकती दे देते हैं। बुद्धि का योग टूटा, खेल खत्म। कई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं, बाबा अवस्था को कैसे जमाएं, कोई तूफान ना लगे। इसका रास्ता तुम बताते ही रहते हैं, बाप को याद करो। तूफान तो लगेंगे, बॉक्सिंग में ऐसा कभी देखा जो कोई एक ही थप्पड़ खाता रहे। जरूर दोनों में ही हिम्मत होगी, पांच थप्पड़ अगर एक लगाएगा तो 10 दूसरा लगाता होगा। यह भी बॉक्सिंग है, बाप को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी। परंतु फट से तो नहीं होगा, माया से कुश्ती लड़नी है। ऐसे मत समझो माया थप्पड़ नहीं मारेगी, भल कोई भी हो, बड़ी बॉक्सिंग है, बहुत डर जाते हैं। माया एकदम नाक में दम कर देती है, युद्ध स्थल है ना। बुद्धि योग लगाने में माया बड़े विघ्न डालती है, मेहनत सारी योग में है। भल बाबा कहते हैं, ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसे नहीं सिर्फ ज्ञान देने वाले प्रिय हैं, पहले तो योग पूरा चाहिए। बाप को याद करना है, माया के विघ्नों से डरना नहीं है। विश्व का मालिक बनते हो ना, सब बनेंगे। 16108 की माला तो बहुत बड़ी है, अंत में आकर पूरी होगी। त्रेता अंत तक कितने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, कुछ तो निशानियां है ना। 8 की भी निशानी है, 108 की भी निशानी है, यह बिल्कुल राइट है। त्रेता अंत में इतने 16108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। शुरू में तो नहीं होंगे, पहले थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। वह सब बनते यहाँ है, चांस बहुत अच्छा है, परंतु मेहनत बहुत है। गीत में भी कहते हैं, कभी नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा। बाबा यह तन मन धन सब आपका है, हम अशरीरी बन आपको याद करते हैं। बुद्धि योग आप से लगाएंगे। बाबा फिर कहते हैं, यह सब तुम बच्चों के लिए ही है। बच्चे कहते हैं, हमारा सब कुछ आपका है। कहते हैं ना, यह सब भगवान ने दिया है। अब बाप कहते हैं, यह सब खत्म हो जाना है। तुम्हारे पास क्या है, यह शरीर भी खत्म हो जाएगा। अब मैं फिर तुमको बदली कर देता हूँ, सिर्फ एक्सचेंज करते हैं ना। तो बाप कहते हैं, बच्चे अशरीरी बनो, मुझे याद करो, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर करो। राजा हरीशचंद्र की कथा है ना, बोला अमानत रख दो। बाप कहते हैं, इन सभी शास्त्रों आदि का सार तुमको समझाता हूँ। मैंने ही तुम्हें ब्रह्मा मुख द्वारा राजा रानी बनाया था, फिर अब बनाता हूँ। कभी भी मनुष्य मनुष्य को गीता सुनाए, राजयोग सिखाए, राजा रानी बना ना सके, फिर गीता सुनने से क्या फायदा। बाप कहते हैं, मैं खुद कल्प कल्प आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। हमारे बनेंगे तब तुम वारिस बनेंगे ना, तो जितना योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। बाबा यह सब आपका है,
हम तो ट्रस्टी हैं, आपके हुक्म बगैर हम कुछ भी नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह कैसे करना है वह भी मत लेते हैं, अक्सर करके गरीब ही पूरा पोता मेल देते हैं। साहूकार दे ना सके, सरेंडर हो नहीं सकते, कोई विरला निकलता है। जैसे एक जनक का नाम है, बाल बच्चे हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो वह अलग कैसे हो? साहूकार लोग अपनी प्रॉपर्टी निकाले कैसे जो सरेंडर हो? बाप है ही गरीब निवास, सबसे गरीब माताएं हैं, उनसे जास्ती कन्याएं गरीब हैं। कन्या को कभी वर्षे का नशा नहीं होगा, बच्चे को बाप की जागीर का नशा रहता है। तो वह सबको छोड़ फिर वैकुंठ का वर्षा लेना पड़े। दान हमेशा गरीब को ही दिया जाता है, भारत है सबसे गरीब, अमेरिका बहुत साहूकार है, उनको वर्षा देते हैं क्या? भारत सबसे साहूकार था, और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारतवासी ही थे, एक भाषा थी। गॉड इज वन, मैं वन सॉवरेंटी, वन धर्म, वन भाषा स्थापन करता हूँ, वन ऑलमाइटी, वन गवर्नमेंट स्थापन करता हूँ। वन से फिर टू थ्री होंगे, अभी कितने धर्म हैं, फिर जरूर वन धर्म आना चाहिए। 5000 वर्ष की बात है, वन धर्म था, विद्वानों ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। समझते नहीं सतयुग क्या होता है, समझते हैं स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर चला गया। दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में है, तो मनुष्य मूंझ जाते हैं, वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं। तुम अभी जानते हो, बाबा के पास जाकर फिर यहाँ ही आकर राज्य करेंगे। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को समझा सको। कच्चे को तो माया चिड़िया खा जाएगी, इसलिए फोटो भी मंगाए जाते हैं, रजिस्टर रखा जाता है। बाबा के पास समाचार आता है, फलाने ने एक ही ऐसा ज्ञान का तीर मारा जो मैं बाबा का बन गया। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। अरे बाप को क्यों भूले हो, इसको ज्ञान बाण कहा जाता है। सिर्फ बाप की याद दिलानी है, बाकी कोई हिंसक बाण की बात नहीं है। बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख से सब शास्त्रों का राज तुम्हें समझाता हूँ। ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होना चाहिए, उन्होंने फिर विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाया है। जानते कुछ भी नहीं, मनुष्यों को तुम जो आया सो लिख दिया। गंदगी तो बहुत है, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए हैं। सच जब निकलता है तो झूठे उसका सामना करते हैं। अब तुम समझते हो कि शिव बाबा है निराकार, और यह ब्रह्मा है साकार। बाकी नाभि आदि की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला अब ज्ञानी तो आत्मा बनना है,
सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने वाला नहीं, याद की भी मेहनत करनी है। अशरीरी होकर अशरीरी बाप को याद करना है, दूसरा बाप का बनकर दूसरी सब बातों से ममत्व मिटा देना है। यह देह भी मेरी नहीं, पूरा देही अभिमानी बन कंप्लीट सरेंडर होना है। वरदान है ज्ञान योग की पावरफुल किरणों द्वारा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। कैसे भी पतित वातावरण को बदलने के लिए अथवा पुराने संस्कारों रूपी कीटाणुओं को भस्म करने के लिए यही स्मृति रहे कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। सूर्य का कर्तव्य है रोशनी देना और किचड़े को खत्म करना। तो ज्ञान योग की शक्ति व श्रेष्ठ चलन द्वारा यही कर्तव्य करते रहो। यदि पावर कम है तो ज्ञान सिर्फ रोशनी देगा, परंतु पुराने संस्कार रूपी कीटाणु खत्म नहीं होंगे। इसलिए पहले योग तपस्या द्वारा पावरफुल बनो। स्लोगन है शुभ भावना।